पेड़ लगा हुआ है। इस पेड़ के नीचे देखिए छाया बना दी गई है दोस्तों, बहुत ही सुंदर देखिए स्थान है दोस्तों। आदमी को आराम है तभी आ रहा है। कुछ गुरु बाबा है, कुछ नाम को बदनाम कर दिए हैं, वो ये नहीं सोचना है। अब हमारे असली संत जो है तो इसी तरह घुसे हुए कमरा में, घुसे गुफा में पड़े हुए भजन कर रहे हैं अपना। जैसे आप यहाँ आपके दर्शन करने के हम भी चले आए, आप सब लोगों के दर्शन हो रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है। चित्रकूट धाम की महिमा है, क्योंकि चित्रकूट गिर अचल अकाधु, खोद पहाड़ घुसे सब साधु, चित्रकूट गिर अचल हेरी, ये तो अचल है। सही है, यहाँ माता अनुसुईया की नगरी है, अत्रि मुनि की नगरी है, गौतम ऋषि की नगरी है, अन्य ऋषियों की मुनियों की नगरी है। इन्होंने सब अपने को चित्त, अपने आप को, अपने चित्त को कूट कूट करके इस चित्रकूट पर्वत बना। अपने चित्त को कूट कूट करके उन्होंने यहाँ के संत, पहले के तपस्वी मुनि जो सतयुग के जमाने में थे, जैसे अत्रि मुनि रहे, गौतम ऋषि रहे, वशिष्ठ ऋषि रहे, कपिल मुनि रहे, अन्य प्रहलाद ऋषि रहे, पंच ऋषियों रहे यहाँ, सब इन्होंने अपने आप को चित्र को कूट कूट करके ये चित्रकूट बना दिया इस पर्वत को। सही, चित्रकूट का पर्वत हमारा अंडरवर्ल्ड एक पत्थर व्हाइट गोल्ड है। यहाँ के दर्शन करने के लिए तुरंत दूर दूर विदेश देश के विदेशी नागरिक ना, अपने हिंदुस्तान के नागरिक बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सब यहाँ तरस रहा। हमारा है रामचरित रामायण तो विदेशों में कंठस्थ हो गई, विदेश के लोग जानते नहीं थे कि रामायण है क्या, राम है क्या, पर आज वहाँ भी ये कंठस्थ हो गई है। सही है, जानते तो थे, ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, लेकिन अब थोड़ी वो लोग भी यहाँ आने लगे हैं। ये पर्यटक स्थल ऐसा है, जैसे हमारे चित्रकूट में अभी एक छतरपुर पन्ना जिला में पड़ रहा है, कौन सा, बागेश्वर धाम, खजुराहो जैसे, हाँ खजुराहो, खजुराहो एक पर्यटक विदेशी नागरिक स्थल है वो। हाँ। वहाँ जाओ तो पूरी नग्न सीन मिलेगी आपको। सही, बेपर्द, पर ये बेपर्द तो परमात्मा कृपा से हम नहीं कह सकते हैं कि आज शक्ति ने कैसे इस धरती को जन्मा, इस धरती में कैसे महात्मा आए, कैसे ऋषि मुनि आए, पर लेकिन हाँ कुछ तो मालूम है। मालूम ये है कि इस सृष्टि में, यहाँ संसार में कोई नहीं रहता था, सिर्फ जल था और जल के अंदर कीड़े थे सबसे पहला नियम। फिर एक आदि शक्ति जगदम्बा थी जो अपने आप को भव्य अग्नि ज्वालामय देवी थी, वो एक जगदम्बा थी। जगदम्बा ने ऐसा किया कि यहाँ जल में तो कीड़े हैं, सही, पर वो जगदम्बा ने क्या किया कि पहले ब्रह्मा जी को जन्मा, एक मनुष्य की उत्पत्ति किया, एक ब्रह्म की उत्पत्ति की उन्होंने। जब ब्रह्म की उत्पत्ति की तो ब्रह्म ने जन्मे, भगवान ब्रह्मा जी आए। सही, जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी से ने कहा कि बोले हे ब्रह्मा, बोले हम तुम्हें इसलिए जन्मा है कि आप हमारी मन की आकांक्षाएं को पूर्ण करो। सही, वो देवी ने कहा कि हमारी मन की आकांक्षाएं को आप पूर्ण करो। तो ब्रह्मा जी कहने बोले माते, आप हमारी माता हैं, मैं ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता आपके साथ, पाणी ग्रहण या भोग विलास का व्यवस्था नहीं कर सकता मैं। बोले कहा ठीक है, तुम मेरी व्यवस्था से नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। बोले कहा माता ये मुझे मंजूर है, आप मुझे भस्म कर दो। तो ब्रह्मा जी को माता ने फिर मूर्छित कर दिया। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मा जी को मूर्छित कर दिया। अब आई विष्णु की बारी। अब जब विष्णु की बारी आई तो विष्णु को भी उत्पत्तित किया, तो विष्णु से भी कहा यही शब्द, बोले हमारे साथ कुछ पाणि ग्रहण करो, हमारे साथ संभोग करो, हमारी तपन में ज्वाला को बुझाइए, इसलिए हम आपको जन्मा। सही, तो ब्रह्मा ने भी, विष्णु भी ने कहा कि बोले ये कौन है। बोले कहा तुम्हारे आने के पहले एक व्यक्ति को हमने जन्मा था। अच्छा। और हमारी वाणी को उन्होंने नहीं माना, इसलिए वो आज वो पड़े हुए हैं। यदि आप भी नहीं मानोगे तो आपके भी यही दशा होगी, बिल्कुल यही कहानी होगी। सही, तो विष्णु ने भी कहा बोले हे माते, हमारी भी वैसे दशा होना चाहिए जैसे मेरे अगले सदस्य की हुई है। सही, मैं भी वही रास्ते में जाने वाला हूँ, पर जो आप कह रही है ये मैं नहीं कर सकता कदापि, क्योंकि आप हमारी धर्म की माता है। बोले ठीक है, जाओ तुम भी जाओ, मूर्छित हो जाओ सर, यानी निर्जीव हो जाओ। अब आई शंकर की बारी। भोलेनाथ आदि देव महादेव की। किसकी बारी? ओम आदि देव महादेव देव देव सो भरत गुरु उत्तरो गोपतिर गोप्ता ज्ञान गम्य पुरातना। आदि देव महादेव देव देव सो भरत गुरु, वो अनादि महादेव है। अब उनकी बारी आई, उनको ने माता ने जन्मा। जब माता ने उनको जन्मा तो फिर क्या होता है कि बोले कि ऐसा करो, हमारे साथ पारिग्रहण करो, हमारे साथ संभोग करो, इसलिए हम आपको जन्मा है। बोले देवी ये कौन है दो जो पड़े हुए हैं? बोले कहा तुम्हारा आपके आने के पहले यही बात हमने इनसे कही,
कि ये बात हमारी बात को नहीं माने, और बोले जब नहीं माने तो उनकी ये दशा हो गई, और यदि आप भी नहीं मानेंगे तो आपके भी यही दशा होगी। बोले अच्छा, बोले देवी हम आपकी बात को मानेंगे, पर हमारी दो शर्तें हैं, दो हमारी शर्त कौन कौन सी है? पहले तो आप हमारे दो शर्तों के यदि मंजूर करें तो हम आपकी बाड़ी को मानते हैं, हम आपके पारिग्रहण करें, हम आपका संभोग करेंगे, हम आपको मतलब आपकी ये तपमय ज्वाला को बुझाएंगे, पर हमारी दो शर्तें हैं। बोले कौन सी तुम्हारी दो शर्तें हैं? बोले कहा दो शर्त मंजूर कर तो हम आपको बताएं। बोले हाँ दो शर्त हमें मंजूर है। माता ने कहा कि दो शर्त हमें मंजूर है, पर आपकी क्या इच्छा है आप बताइए। भगवान शंकर ने कहा, बोले कहा देखो पहला शब्द मेरा तो ये है कि ये जो आपका पहला नेत्र है आप हमें दे दीजिए, और दूसरा शब्द ये है कि जो मेरे दो सदस्य पड़े हुए हैं बैठो महाराज जी बैठ जाओ, इनको आप जीवित कर दीजिए। पहला शर्त में क्या है, आप पहला तीसरा पहले नेत्र हमें आप पहला अपना नेत्र दीजिए। दूसरे में क्या है कि मेरे दो सदस्यों को आप जीवित कर दो। और बोले देवी तुम इतना करो तो फिर हम तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसे दुर्व्योग मतलब ऐसा आपकी मतलब आपके आपका कहना मानेंगे जो आप कहते हैं। बोले कहा ठीक है, वो मस्त माता रानी ने उनको अच्छा कर दिया, पहले नेत्र पहले वाणी में अपना नेत्र भी भगवान शंकर को दे दिया, फिर उनको भी अच्छा कर दिया। अब जब भोलेनाथ पा गए हैं तीसरा नेत्र पा जाते हैं तो भोलेनाथ क्या कहते हैं, बोले देवी तुम 108 बार मारो अर्जी हो, 108 बार मारो अर्जी हो, 108 बार देवी अब जब तुम्हारा जन्म होगा कहाँ होगा, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ गौरा रूप में आएंगी, पार्वती के नाम से जानी जाएंगी, तब मेरा आपका मिलन होगा। पर देवी तुम 108 बार मरो और जाओ। वो देवी 108 मरने लगी, और बीच में भोलेनाथ ने एक ऐसा उपाय निकाला, ऐसा रास्ता निकाला कि ब्रह्मा तुम ऐसा करो तुम सृष्टि का उद्गम करो, सृष्टि का संचालित करो, सृष्टि का बढ़ाओ। विष्णु जी को कहा, बोले विष्णु जी तुम जाइए आप संसार के जगत के पालनहार बन जाओ। अभी विष्णु जी कहते हैं भोलेनाथ हम तो जगत के पालनहार बन गए, पर आप आपकी ड्यूटी क्या है? सही। भोलेनाथ ने कहा विष्णु आप ही बताइए कि हमारी ड्यूटी क्या है। बोले कहा ठीक, आप हमें यदि हम जगत के संसार का पालनहार करते हैं, संसार के चराचर हम बन गए हैं, तो आप संसार के संहारकर्ता बन जाओ। सही। आप शंकर आप जी की ड्यूटी क्या है, संहार के संहारकर्ता बन जाओ संसार की। तो अब इतने में अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा ने तीनों देव एक दूसरे को गुरु मानते थे, इनके न कोई गुरु थे न इनकी कोई माता थी, वे एक दूसरे के स्वयं गुरु थे, एक दूसरे के स्वयं पिता थे। भगवान शंकर ने सृष्टि का संहारकर्ता बने, भगवान विष्णु ने संसार के सारा चराचर बने, ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि के रचयिता बने। सृष्टि में सबसे पहले कुत्ते का जन्म हुआ, ब्रह्मा ने सबसे पहले कुत्ते का जन्म दिया, जो आज भैरवनाथ की हमारी सवारी है, काल भैरवनाथ रुद्र रूप की सवारी है, कुत्ता है, कुत्ता उसकी सवारी है, भैरवनाथ की सवारी कुत्ता है। और कुत्ते का सबसे पहले जन्म हुआ, जब कुत्ते का सबसे पहले जन्म हुआ तो कुत्ते ने कहा कि हे परमात्मा आपने मुझे तो जन्म दे दिया पर मैं खाऊंगा क्या। सही। तो परमात्मा ने उनके लिए एक अन्न की भी व्यवस्था कर दी, दाने पानी की भी व्यवस्था कर दिया। अब कुत्ता कहता है कि बोले हे भगवान मैं ये खड़ा दाना नहीं खाऊंगा, इसको कोई मुझे बना के पका के खिलाने वाला इंसान चाहिए। सही। तो ब्रह्मा ने इंसान की उत्पत्ति की, अब ब्रह्मा ने इंसान की उत्पत्ति की, तो इंसान की उत्पत्ति करने में जैसे अब आ जाइए कि जैसे सबसे पहले उत्पत्ति राजा मनु रहे, शत्रुपा रहे, इसके राजा मन के और पहले राजा आज रहे, रामचंद्र की कहानी सूर्यवंशी में इनकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से तो हम तो कहते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो कहानी वो आज बांध के चले गए हैं, उस कहानी में यदि पूरा संसार चल जाए तो अंडरवर्ल्ड भारत मेरा सुधर जाए। सही। मोदी के कहने पर यदि कोई चल जाए तो बंदूक की गोली न चले, बाणी की ही गोली में संभर जाए। पर आज का देश मोदी तो देता है वहाँ से खाने के लिए, राजस्थान में यहीं रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा पड़ता है राजापुर क्षेत्र। अच्छा। करबी के आगे पड़ता है पहाड़ी, पहाड़ी के आगे पड़ता है मेरा 6 किलोमीटर में ग्राम देवल चौरा, और
पुराना जिला था मेरा पहला बांदा जिला, कर भी रखती थी तहसील, पर अब लगता है वर्तमान में चित्रकूट जिला। पहले मेरा पहला था थानी पर, थाना पहाड़ी था, पर अब मैं वहाँ रहता नहीं, सनन खान से यहाँ के रहता नहीं। यहाँ पे ऐसे आना हुआ कि हम लोग बाढ़ पीड़ित में परेशान हो जाते थे, घिर जाते थे। हमारा टापू जो है गंगा माता, ये मंदाकिनी मैया जो है समेट के घर हमारे द्वार सब गिरा के ध्वस्त कर जाती थी। अच्छा, फिर हम दुखी हो गए थे। एक मेरा छोटा भाई, उसके साथ कोई अनहोनी कर दिया तो हमारे माता पिता ले आए चित्रकूट, उसको जानकीकुंड में अस्पताल में, तो वहाँ चेकअप करवाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाए उस भाई के, मतलब अंदर डॉक्टर ने निकाल दिया, कांच के कण निकाल दिया और उसकी आँत कट गई। तब से आज तक मेरे पिताजी जन्मभूमि भी न गए, न मेरी मम्मी गई, बाकी फिलहाल मैं जाता हूँ कभी कभार, पर वो भी मैं नहीं जाता, कभी कभार गया तो गया। नहीं, जन्म निवास सन 98 से यहीं, अब यहीं रहता हूँ, संत सेवा करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, गौ कन्या की सेवा करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ, सीताराम का पताका उड़ाता हूँ, ये मेरे हाथ में है। तो ये स्थान में कैसे आना हुआ यहाँ? ये स्थान में तो हमारे महाराज जी रहे, कुछ ऐसे संत लोग रहे, अच्छा, तो मुलाकात हो गई तो चले आए दर्शन के उद्देश्य। पहली बार नाम सुना राजा मुरद ध्वज की नगरी है। तो हमने सजवार के बाबा भी गए, गुप्त गुदारी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, अनसुईया जी भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, टहलते हैं, पर यह स्थान में आज मैं पहली बार आया। आज पहली बार? पहली बार। और पहली बार इसलिए आया कि दर्शन पर्शन करने के लिए आए, हमारे बंधु बैठे, भक्त बैठे हैं, और हमारे महाराज जी जो पीछे रहे वो भी रहे, हमारे ये भी महाराज जी, सब एक दूसरे के अलग लगाव से प्रेम मोहब्बत भगवान के दर्शन में आ गए। जब मेरे दादाजी की तो यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ हमको आकर के तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि ये परमात्मा की गुफा है, परमात्मा का दरबार है। अभी अनसुईया जी नहीं, गुप्त गोदारी में चले जाओ तो वहाँ गुप्त गोदारी में हम जाए तो गुप्त गोदारी में इससे भी हमें अच्छा लगता है, वहाँ से ये लगता है कि हम कभी बाहर निकल के जा ही नहीं, घुसे रहे अंदर, अच्छा लगा। वहाँ तो हमें निकलने का मन ही नहीं करता, पर यहाँ ये साधु लोग यहाँ रहते थे कि दर्शन है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। संत दरस जिम पातक टरही, गरुड़ देख जिम फन्नक बगही, क्या पता इन दर्शन करने से हमारे पापों का नाश होता है, क्या पता आपके दर्शन करने से हमारे पापों का नाश होता है, क्योंकि बताया है प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, अबरीना प्रेम का मानुष यमपुर बांधा, प्रेम तो कभी नहीं मिलेगा, प्रेम आपके हमारे बीच में उत्पत्ति होगी। नहीं तो वही कहानी है कि एक बार बीरबल ने कहा, अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल ऐसा करो, ले हमारे लिए कुछ सामग्री ले आओ। बोले भगवान कौन कौन सी सामग्री लाना है स्वामी? बोले कहा तीन सामग्री नहीं, जो हम मंगाए वो सामग्री ले आओ। बोले कहा एक अब का ले आना, एक तब का ले आना, नहीं कि अब का नहीं एक तब का नहीं, कहा तीन सामग्री ले आओ 3 रुपए का बाजार से। हाँ। तो लेने गया तो पहुँचा, तो एक जगह हुआ तो बैठन किया ना, तो 1 रुपया चढ़ा दी न अबे का न तबे का। हाँ, अब फिर पहुँचा नहीं जाके तो होता है कि अगर भागो तो 1 रुपया चढ़ा दी भागवत में। हाँ, अबे का बचे 1 रुपया, तबे का 1 रुपया का आधा किलो जलेबी लाया हुआ, बहुत सुंदर। अबे का होइ थे कहा क्यों क्या लाया? कहा 1 रुपए का तो साहब कहा तुम्हारा दे दिया तब का, 1 रुपए का ले आए अब का, और कहा 1 रुपए तुम्हारा दे दिया ना अब का हुआ ना तुम्हारा तब का हुआ। सही, ये भोलेनाथ की कृपा है, यही है